हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने शुक्रवार को यह कहा है कि वो इस साल के अंत में होने वाले 2020 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। इस 38 साल के खिलाड़ी को गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 24 जनवरी से लाहौर में शुरू हो रही पाकिस्तान की 2020 सीरीज की टीम में चुना गया है। हफीज पाकिस्तान के लिए तीनों प्रारूपों में बतौर शीर्ष क्रम बल्लेबाज अहम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड दौरे के दौरान अपना पदार्पण किया था। हफीज ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना सम्मान की तरह रहा है। मैं 2020 विश्व कप में खेलना चाहता हूं और फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेना चाहता हूं। हफीज ने 55 टेस्ट खेलने के बाद दिसंबर 2018 में टेस्ट मैचों से संन्यास ले लिया था। वो सीमित ओवरों के प्रारूपों में भी काफी सफल रहे, जिसमें उन्होंने 218 वनडे में 6614 रन जुटाए और 139 विकेट भी चटकाए। तो क्या मोहम्मद हफीज के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की टीम पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो कैसा फर्क पड़ेगा? आप इसे लेकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।